मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं रवनीत सिंह बिट्टू। राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे और चारों नेताओं के बीच में संगठनात्मक मंत्रणा हुई है। क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीर आपको जयपुर एयरपोर्ट से भी दिखाई थी, जहां रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे थे और किस तरह से वेलकम स्वागत उनका एयरपोर्ट पर किया गया था। और अभी अपडेट आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रवनीत सिंह बिट्टू मिले हैं। राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू का स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ में मौजूद रहे और चारों नेताओं के बीच में संगठनात्मक मंत्रणा भी हुई है, क्योंकि कल नामांकन उनके द्वारा दाखिल किया जाएगा। मेरे साथ में सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, एक शिष्टाचार भेंट होती है और चूंकि केंद्र में मंत्री है और उनके अलावा भाजपा के आज की तारीख में राज्यसभा के उम्मीदवार है, बड़े नेता है, तो एक कर्सी मुलाकात के मद्देनजर मुख्यमंत्री निवास पर गए। लेकिन कर्सी मुलाकात के दौरान संगठनात्मक बातचीत और मंत्रणा होती है, चूंकि राज्यसभा चुनाव है। इससे पहले राधामोहन अग्रवाल और मदन राठौड़ उनके साथ होटल ललित में चर्चा की थी, उसके बाद सभी लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राधामोहन अग्रवाल पहुंच सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री के साथ एक सामान्य जो चर्चा होती है, एक शिष्टाचार मुलाकात होती है और उसके दौरान उसके अलावा राज्यसभा नामांकन और नामांकन के बाद की चर्चा। अमूमन राज्यसभा का जब चुनाव आता है तो एक प्रशिक्षण शिविर होता है, जिसे बाड़ेबंदी का नाम भी दिया जाता है। अभी इस चीज की भी प्रतीक्षा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उन स्थितियों में पड़ती है जब दूसरा कोई कैंडिडेट होता है, तो उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता अभी पड़ेगी, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव है वो सभी को मालूम है कि राज्यसभा चुनाव में गणित होता है वोटों का, विधायकों के वोटों का, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। तो ऐसे में कहानी सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ जब बैठे हैं, राजस्थान के दिग्गज नेता, सामान्य तौर पर संगठनात्मक तौर पर अन्य बातचीत भी हो रही है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।